मुंबई से सटे विरार में स्थित मराठा लाइफ फाउंडेशन मल्हारी वृद्धाश्रम जो लगभग पिछले 20 साल से वृद्धाश्रम चला रहा है, इस आश्रम में श्री श्रद्धा सबूरी सेवा मंडल द्वारा एक दिन का भजन और भंडारे का आयोजन किया गया। वैसे हम आपको बता दें कि इस आश्रम को किशन लोखंडे पिछले 20 साल से बिना किसी सरकारी मदद के खुद चलाते आ रहे हैं और इस आश्रम में लगभग 70 से 80 महिलाएं और पुरुष इस आश्रम में रहते हैं, जिनका इस आश्रम के अलावा कोई सहारा नहीं है। अगर आपको इस संस्था की मदद करनी है तो आप भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सुनाते हैं इस मौके पर आए हुए लोगों ने इस संस्था के बारे में क्या कुछ कहा। आज हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे भजन का नियोजन किया है। जो मराठा चैरिटेबल में जो आदमी लोग हैं, बूढ़े जवान नशा करने वाले जो लोग हैं, उनके सेहत को अच्छा कुछ लगने के लिए भजन का प्रोग्राम रखा है। बाद में उनके लिए प्रसाद का प्रयोजन रखा है। ये श्रद्धा सबूरी सेवा मंडल का रौप्य महोत्सवी वर्ष है, वो हम लोग मना रहे हैं और इसके लिए हम आज ये प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं। कितने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं और कितना साल हो चुका है इस फाउंडेशन को, और आप कितने सालों से जुड़े हैं इस फाउंडेशन में? ये फाउंडेशन को 10 साल हुए हैं और गए 4-5 साल से हम लोग यहाँ पे, मतलब ये फाउंडेशन में हम जुड़े हुए हैं। सर अपने ट्रस्ट के बारे में बताइए, आपका ट्रस्ट किस तरह से लोगों के लिए काम करता है? श्रद्धा सबूरी सेवा मंडल जो लोअर परे से मुंबई से पालकी लेके शिरडी जाते हैं, हम लोग वो पालकी के दरमियान भी जिस जिस गांव में हम लोग रुकते हैं वहाँ पे हम लोग जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए बुक का वाटप करते हैं, पढ़ाई करने के लिए जो उनका किताब है, उनको जितना भी साधन सामग्री जो पढ़ने के लिए लगता है वो मंडल की तरफ से हम लोग करते हैं, और भंडारा का प्रयोजन करते हैं हम लोग। वहाँ पे हजारों लोग प्रसाद का लाभ लेते हैं। ये एक संस्था है जो लोअर पैरल में 1995 में स्थापन हुई थी, तब से लेकर आज तक मुंबई से शिरडी पदयात्रा के स्वरूप में हम साई सेवा करते हैं। और साई सेवा के दरम्यान जो आध्यात्मिकता होती है वो आध्यात्मिकता के साथ साथ एक समाज सेवा करने का जो एक संकल्प हमने किया है। आज श्रद्धा सबूरी सेवा मंडल को 24 साल पूरे होके 25वें साल में हमने पदार्पण किया है। रौप्य महोत्सव वर्ष की इस संकल्पना ऐसी है कि हर एक साई भक्त और उससे जुड़ा हुआ हर एक आदमी जिसके लिए श्रद्धा सबूरी सेवा मंडल कुछ न कुछ तरीके से उसके साथ जुड़ा रहेगा और उसको उसकी जो कुछ कमतरताएं है वो पूरी करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। चाहे वो रक्तदान शिविर हो, वृद्धाश्रम में कुछ लोगों के लिए मनोरंजन या उनके जो उपयोगी वस्तु है उसका दान या भेंट देना, उसी तरीके से हमने लास्ट 2 दिन पहले एक डायलिसिस पेशेंट के लिए एक प्रोग्राम रखा था, उनके लिए हर गुरुवार, हर मंथ के दूसरे गुरुवार को हम लोग उसके श्रद्धा सबूरी सेवा मंडल की तरफ से उनको 1,000 रुपये का एक योगदान देते हैं जिससे थोड़ा बहुत उनका दर्द हम बांट सके। मेरा नाम है अनिल सेदर घाटकर, मैं ये श्रद्धा सबूरी सेवा मंडल से लास्ट 24 साल से मैं कार्यरत हूँ, काम करता हूँ सलाहकार करके। 24 साल पूरा होने के बाद 25 साल में हम लोग जब जा रहे हैं, 25 साल में कुछ ऐसा करना है कि बाबा को जो पसंद था, साईं बाबा ने अपनी कर्मभूमि शिरडी माना था, उस शिरडी में उन्होंने दीन दुबलों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, कभी कभी भिक्षा मांग के लोगों को खाना खिलाया, तो हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें भी वही करना चाहिए। लास्ट 10-12 साल से हमारा लोखंडे साहब से परिचय है, हमारे अच्छी घरौली संबंध है उसके साथ, जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए, माध्यम से हम लोग भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने लास्ट रविवार आके देखा है कि यहाँ पे बहुत से जो लोग हैं उनको थोड़ी सी ज़रूरत है आध्यात्मिक की, क्योंकि यहाँ पे जो रेलवे में जो लोग मिलते हैं उनकी मेमोरी लॉस होती है, कई लोगों का ये हो जाता है, तो उसके लिए बाबा का आशीर्वाद मिलना जरूरी है कि बाबा के आशीर्वाद से वो लोग अच्छे हो जाए। वो उस माध्यम से हम लोग यहाँ पे आज साई भजन रखा है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बाबा को जो प्यारा था साई भंडारा वो रखा है, उसके बाद इनको थोड़ा सा हम लोग महीने के लिए अन्नदान करेंगे। श्रद्धा सबूरी का सेवा मंडल से पहला जो प्रोग्राम हुआ वो लास्ट गुरुवार को हुआ, उस टाइम हमने 100 लोगों को अन्नदान, जो महीना भर एक महीना पूरा हो जाएगा, गरीब लोगों को अन्नदान किया है। 5 लोगों को हर महीने दूसरे गुरुवार के दिन हम लोग डायलिसिस के लिए पैसा देंगे,
कि जिनके तरफ से हमारी तरफ से छोटी सी उनकी जरूरत के लिए हेल्प हो जाए। आने वाले साल भर हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें बहुत से साल है। शिरडी में जब बाबा का शिरडी में पूरा कार्य हुआ है, बाबा ने पूरी अपनी कर्मभूमि शिरडी में माना था, तो वहाँ शिरडी में वहाँ पे वृद्धाश्रम है, द्वारका में वृद्धाश्रम। तो हम लोग जब ये शिरडी से चलेंगे साल में, तभी उस महीने में हम लोग पूरा महीना भर वो वृद्धाश्रम को हम लोग खाना देने वाले हैं कि बाबा के माध्यम से उधर भी बाबा का नाम होना चाहिए इसके लिए। मुझे तो मेरा मैं अभी बताया कि मेरा और लोखंडे साहब का कम से कम 10-12 साल से घरेलू संबंध है। तो मेरा लोखंडे साहब से बात होता था, लोखंडे साहब मेरे से 4-5 साल पहले से पीछे पड़े कि आप आ जाओ। लेकिन जब हमने ये सोचा कि हमको कुछ करना है बाबा के माध्यम से, तभी हमने फिर लास्ट रविवार को हम लोग यहाँ पे आके देखे गए थे क्या करना चाहिए। सर, जैसे लोग दान मस्जिद में या मंदिर में करते हैं, तो क्या लगता है आपको, मंदिर मस्जिद में करना चाहिए ऐसे अनाथ या वृद्ध? मुझे लगता है कि हम जिसको मानते हैं वो साईं बाबा। साईं बाबा ने क्या किया है कि साईं बाबा ने खुद का एक नाम रखा है, गौर गरीब जो लोग हैं उनको मतलब बीमारी होगा उसके लिए खुद किया, अपना लोगों का बीमारी अपने सर अपने पे लिया है। तो मंदिर मस्जिद से अच्छा है कि ये सेवा सही में है, क्योंकि हम लोग अभी लोखंडे साहब की जो मम्मी है 102 साल की है, उनका जो सेवा है वो मंदिर मस्जिद से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वहाँ तक जाना जरूरी है। मंदिर मस्जिद से हम दुआ मांगने जाते हैं, ये दुआ सही में है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये इसमें कोई बाबा होंगे, आज हमने काम चालू किया है और बाबा का प्रसाद आता है, कल रात को ही हमको बाबा का शिरडी से प्रसाद आ गया, मतलब ये हमने जो कर रहे हैं उसको भी बाबा की अनुमति, ऐसे मैं मानता हूँ। मैं बेसिकली मेरी मम्मी पापा की इच्छा थी कि कोई हम देश सेवा के बारे में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए मैं आर्मी में भर्ती हुआ था। 20 साल आर्मी में सेवा किया, कारगिल के वार में भी था मैं। और रिटायर के बाद पापा की थोड़ी सी हालत खराब थी कि बीमार होते थे, इसलिए मैं रिटायरमेंट ले लिया। और उनको मैं कमांड हॉस्पिटल पूना में मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया। पापा 112 साल के थे, तो मरते समय उन्होंने बोला था कि अभी तुम देश सेवा किए तो गौर गरीबांग की सेवा करो और एक अनाथ आश्रम खोल दो। तो मम्मी पापा के हिसाब से मैंने अनाथ आश्रम खोला, आज मैं इधर 70 आदमी को संभाल रहा हूँ। आपका जो ट्रस्ट है 2500 साल में प्रवेश कर रहा है, तो आगे आने वाले टाइम में कौन सी नई फैसिलिटी आप स्टार्ट करने वाले हैं? हम लोग जो बाहर फैसिलिटी नहीं मिलते गोर गरीब, अनाज मुख्य आदमी का जरूरत है, अनाज कपड़ा रोटी कपड़ा और मकान, उस हिसाब से हम लोग उनकी बंदोबस्त करेंगे सब, और अच्छा क्वालिटी का अनाज मिले, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहने के लिए सुविधा मिले। सर, 20 साल से आप इस संस्था को चला रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई मदद या कुछ किस तरह का सहयोग मिलता है लोगों से? अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, जैसे मेरे गुरु अनिल साहब है, इनके जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, वो आश्रम के लिए अन्नदान करते, कपड़ा दान करते, और जिनको पता है वो आके इधर अन्नदान कर। आज तक किसी की तरफ से बड़ी हेल्प नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं। कैसे चला वृद्धाश्रम, कैसे आपके आश्रम में आते हैं, आपकी टीम जाती है लाने के लिए, कैसे आप? मैं अपना आर्मी का जो पैसा मिला था उससे मैं आश्रम खड़ा किया है। अभी मेरी पेंशन है, 20,000 पेंशन आती है, उससे राशन लेता हूँ। मेरी मिसेस पुलिस में है, 32 साल सर्विस है, वो 25,000 महीने का देती है। और मेरा सिक्योरिटी का छोटा मोटा बिजनेस, उसमें से पैसा आता है, उसमें मैं आश्रम चलाता हूँ। हमने बाहर देखा कि एम्बुलेंस खड़ी है, तो एम्बुलेंस भी चलती है आपके? एम्बुलेंस भी चलती है, दो एम्बुलेंस है, यहाँ एक रहती है, एक स्टेशन पे रहती है। जो भी पुलिस वाले फोन करके बुलाते हैं कि यहाँ पेशेंट है, तो मैं स्टेशन से लेके जाता हूँ। आश्रम में कोई बीमार है तो ये एम्बुलेंस आश्रम के पेशेंट के लिए यूज करवाते हैं। तो हर साल आश्रम में कुछ जो बोलते हैं वृद्धि होती है, जो नए पेशेंट आते हैं आपके ऑप्शन में? इधर डेली पेशेंट नहीं आते, रात को 2 बजे भी हम एक पेशेंट लेके आए थे, वैसे महानगर पालिका ने दिया था, वो लाके उनका ट्रीटमेंट करके यहाँ रखा हुआ है। तो जैसे आपने कहा कि आपको म्यूनसिपैलिटी की वहाँ से कॉल आता है पुलिस, तो कभी वैसे विराज शहर महानगर पालिका से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता? नहीं, मैंने अप्लाई किया, अभी तक नहीं मिला। उनका लास्ट बजट 31 मार्च तक था, तो उन्होंने बोला कि मार्च के बाद जो भी होगा हम करेंगे। वो इतना अच्छा काम करे, इससे हम लोग सब लोग खुश है, ऐसे अच्छे आगे काम करते रहेंगे, उसके लिए मैं भी उनके लिए हेल्प करते रहूंगी। कितनी खुशी मिलती है जब आप लोगों को बोलते हैं कि हमारा एक ट्रस्ट है जो असहाय लोगों की मदद करता है, कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है, दूसरों को बताने से भी सब लोग उनकी प्रशंसा ही करते हैं, बोलते हैं अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, ऐसा सब लोग बताते हैं। तो महिला नारी शक्ति का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे? नहीं, अभी तो किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, आने वाले टाइम में मिलेगा, शायद मिल सकता है। मेरा नाम राजेश चोडनकर है, मैं प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनर हूँ। जब कुछ मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए, जो लेकिन मैं वो अपने लाइफ के लिए देखता था, लेकिन मुझे मेरे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो अपने लोखंडे साहब,
उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छी राय दी। वो बोले एक बार आप आश्रम आके देख लीजिए, जो दर्द आपका है वो दर्द उधर भी है, देख लीजिए। तो इधर आके मैंने जब देखा तो मैं मेरा खुद का दर्द भूल चुका, और मैं उसके बाद भाई इनकी सेवा करूँ और मैं मेरा बाकी का जो लाइफ है इनमें जो भी है मैं कर सकूँ, मेरी तरफ से जितना भी हो मैं इधर इसके बाद यहीं सेटल हो चुका। कितनी बड़ी जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है, तो कैसे कैसे कर लेते हैं आप? लोगों को संभालना, पूरा आसन संभालना आपके ऊपर है, आपके कंधों के ऊपर है, कैसे संभाल लेते हैं? मेरी तरफ से कोशिश में तो करता हूँ, सवेरे जो जुड़ जाता हूँ, रात मुझे मालूम नहीं पड़ता कब होता है, लेकिन जुड़ जाता हूँ, इनमें ही समा जाता हूँ समझो, इनके दुख दर्द में, और इनको जितना उनको खुशी मिले उतनी कोशिश करके भाई ये खुश रहे, बस इतनी कोशिश करते करते अपनी टाइम निकाल लेता हूँ। लेकिन आप कब से हैं? कब से योगदान? मैं काफ़ी मतलब अभी जस्ट 6 महीना हो चुका समझो। तो कितनी खुशी मिलती है जब आप इन लोगों की सेवा करते हैं, तो ऐसा लगता है आपको कि आप अपने घर में सेवा कर रहे हैं अपने बूढ़े? बस इतना ही है जो मेरे माँ बाप को नहीं दे सका, यही मेरे को मेरे माँ बाप की मुझे याद आती है, जो मैं उनको सेवा दे रहा हूँ शायद मेरा कर्म ही मुझे शायद सफल करे आगे, ये मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात। मेरी दादी दादा की इच्छा थी कि मेरे पप्पा एक अच्छा आश्रम खोले और उधर पप्पा सेवा करे, इसी बात पर सबको हम सबको अच्छा लगता है और मेरी पूरी फैमिली मेरे पप्पा को सपोर्ट करती है। इसी समय हम लोग के आश्रम में बहुत सारे जन आए जो बुजुर्ग के और जो अनाथ है जिसके कोई माँ बाप नहीं है। तो साहिल बेटे आप भी आते हैं इस ट्रस्ट में? हाँ, कभी जब मेरा मन करता तो मैं आता हूँ और मैं अपने आश्रम के रहने वाले से खेलता कूदता और मदद करता हूँ उनका। तो बड़े हो के आप भी इस ट्रस्ट में ऐसे ही पापा की तरह काम करेंगे? हाँ, बड़े होने के बाद एक समय में आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी आएगी, तो आप इससे किस तरह से झेलेंगे जब बड़े हो जाएंगे? जैसे मेरे पापा अभी झेलते हैं वैसे बड़े होने के बाद मैं भी झेलूंगा। पहिल्यापासून त्यांची बाहेर शाळा करून सातारला भरती झालं, तिथनं तिकडे आपल्या ह्याच्या पाया उभं राहिलं, मिलिटरीत गेलं, तिथनं आपलं आम्ही चांगलं म्हणलं पैसा आम्हाला खर्च केला नाही त्यांनी काय नाही, आपल्या पायावर लागलं यांनी, आता ही मोर सदैव धर्म हात करीत राहिलं, सदैव धर्म करीतच राहिलं, करीत होतं तरी अकुराला 10 रुपये दे, तुला 5 रुपये दे, पण देतच राहत होत, मग त्याच्यामुळे त्यांना तीच सवय लागलेली, त्याच्यामुळे आता ही असंच करावं म्हणतात अजून, वार गरीब कोणाचा पाय तुटलेला, कोणाचा हात तुटलेला आहे, कोण चांगला आहे का तुम्ही बघितलं का, तर ती आणून आपलं त्यांनी करतात सेवा, म्हणजे ते आपलं येते तर कवा तरी पाहुण्या गत, पण मीच इथं असते सेवाला, कोण ऐकाना दोन ठोक देते गीते ऐकते हो। देखो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जो मिसिंग होते हैं, जो कोई घर से छोड़ा हुआ रहता है, अपने माँ बाप संभाल नहीं सकते या पागलपन से घूमते रहते हैं, ऐसे बेहोश हालत में मिलते हैं, उसको हम यहाँ लाके उनके अपने पैरों पे खड़ा करवाते हैं, पहले तो उनके मेडिसिन ट्रीटमेंट करवा के उनको ठीक करवाते हैं, और उनकी मेमोरी लॉस होती है वो मेमोरी रिकवर करवा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए शादी के लिए प्रपोजल वो लड़की रखते है, तो हम उनकी शादी करवा देते है, वो हम अपने हिसाब से नहीं, वो पुलिस का या उनके घर वालों तक पहुंच के वो लड़कियों की शादी करवाते है। इसके अलावा सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज कल के बेटे होते हैं, माँ बाप को जल्दी घर छोड़ के चले जाते हैं? देखो अपने बच्चों पे हमने खुद ने ध्यान रखना चाहिए, वो कहीं गलत संगत में आते हैं तो उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कुछ करता है तो उनको समझा कि अपने घर में रखना चाहिए, ऐसा बाहर जाके उसका दुनिया बहुत सारा मिसयूज करते हैं, वो उनको भी यूज करके मार पीट के फेंक देते और वो फिर अनाथ आश्रम में आते हैं, उनको दूसरा कोई सहारा नहीं होता, कोई उनको सपोर्ट नहीं करता है, तो अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उम्र में आते अच्छे लड़का देख के उनकी शादी करवाना चाहिए, उनके ऊपर पूरा ये देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।